अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी, वेलकम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम मेरे जो बेटे हैं माशाल्लाह से, मेरा इकलौता बेटा वो गर्म दूध एक गिलास और 7 से 8 बादाम वो खा कर जाते हैं मस्जिद में। और उसके बाद आज रात उन्होंने किया था एक शिकवा और उस शिकवे पे अमल कर रही हूँ मैं फौरी के। मैं कुछ अर्सा पहले जो था ना, जो मेरे YouTube से हट के लाइव थी पहले वाली, उसमें मैं ना हर 2-3 दिन बाद कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती थी और अपने बच्चों को खुश करने के लिए डिफरेंट रेसिपी बनाती थी। तो आज उन्होंने किया था मेरे बेटे ने शिकवा, वो मैं आपको सुनाऊँगी बताऊँगी कि उन्होंने क्या गिला किया मुझसे। वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। और मैं जी उनकी फरमाइश पे आज सैंडविच बना रही हूँ, चिकन फजीता सैंडविच। और सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन को कट कर लिया था और जी अब सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे लाइट पिंक होने तक चिकन को। और इसमें 1 स्पून सिरका और 1 स्पून सोया सॉस ये डालेंगे। चिकन जो था ये 1-1.5 पाव के करीब है। और अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के यही स्पाइसेस हैं, इनको तेज़ ज़्यादा कम कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसमें मैंने कुछ सब्जियां शामिल की हैं, इसमें मैंने गाजर कटी हुई डाल दी है। और मैं ऐसे 1 से 2-3 मिनट इनको फ्राई करती जाऊंगी और बस ये आपके सामने। अगर मैं ना भी आपको बताऊं तो ये जो आपको मैं रेसिपी बना के दिखा रही हूँ ये बहुत ईजी है, आप खुद भी बना सकते हैं। और सर्दियों में ये सैंडविच और फ्राई चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं, ख़ासकर इवनिंग में, बट मैंने ये दोपहर में ही बनाई है। और मैं यहाँ पर गैस चेक कर रही थी चूल्हे में, किस्मत से ही यहाँ पर गैस आती है चूल्हे में। तो बस आजकल लोड शेडिंग जिस तरह होती है विंटर में वो भी है, और गैस तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और अब मैं इसमें 1 प्याज ये शामिल करूँगी, कटी हुई प्याज, और अब इसको भी साथ साथ फ्राई करूँगी। और मैंने जो जो स्पाइसेस डालने हैं मैं आपको ये थोड़ी सी जो रेसिपी है थोड़ी सी ये मैं डिटेल में दिखाऊंगी इस रेसिपी को। अब मैंने चिली सॉस शामिल किया इसमें 1 चम्मच के करीब था। और बस जी अब तक मैंने इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाला है बस। और अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी, जो सख्त वाली सब्ज़ी होती है वो सबसे पहले डालें ताकि वो थोड़ी सी गल जाएँ अच्छे से। तो ये जो सब्जियां होती हैं ये चिकन में कच्ची पक्की सी ही ज़्यादा मज़ा देती हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस, और अब ये आप नोट कर लें मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले ये सूखा धनिया है पिसा हुआ, ये 1/2 स्पून, और ये लाल मिर्च 1 स्पून, ये काली मिर्च 1/2 स्पून, ये पेपरिका पाउडर 1/2 स्पून, नमक 1 स्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 स्पून, और ये 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ओरिगैनो ये डालेंगे जी इसमें। ये जी 8 स्पाइसेस हैं ये मैं एक साथ ही शामिल करूँगी। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और इसमें मैं 1/2 प्याली या छोटी प्याली जो है केचप की डालूँगी, टमाटो केचप बस। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये मेरे बेटे के मोस्ट फेवरेट सैंडविच हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका दिल करे तो वो डेली ही ये मुझसे बनवा कर खाएं। और बस फिर मैं अब 1 वीक में एक बार कोशिश किया करूँगी उनको वो ही रेसिपी बना कर दूँ जो मेरे बेटे की फेवरेट है। इस तरह मेरी वीडियो भी बन जाएगी और मेरे बेटे की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। फाइनली मेरी यहाँ पे जो रेसिपी है ये डन है, और बस अब मैं चूल्हा ऑफ कर दूँगी। कभी ऊपर वाले चूल्हे में मैंने कुकिंग किया और कभी सिलेंडर पे वाले चूल्हे पर किया नीचे बैठकर। और यहाँ पर मैं सॉस बना रही हूँ एक अंदाज़े से, मैंने काफ़ी पहले बनाई थी मुझे याद नहीं थी, और बस जो जिस दिमाग में आई है मैं डालती गई हूँ। सबसे पहले मैंने टमाटो केचप डाला 3 से 4 चम्मच था, और मैंने मस्टर्ड पेस्ट 1 स्पून है, और ये मायोनीज़ है ये भी बस अंदाजे से ही डाल रही हूँ आपके सामने बस जिस तरह, और साथ में फ्रेश क्रीम थी। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से बस। ये एक सॉस है, इसमें चिल्ली सॉस भी मैंने थोड़ी सी शामिल की है,
एक साशा, बस ये रेडी है। और माइंड में आए इस टाइम कि पता नहीं मेरे बेटे को सॉस पसंद आए या ना आए, तो मैं एक और सॉस भी साथ ही बना लेती हूँ, मायोनीज और टमाटो केचप की। और मैंने इसमें चिल्ली सॉस का एक साशा था वो भी मैंने इसमें शामिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब भी अच्छा बन गया था, दोनों सॉस भी और मेरे सैंडविच भी। अब मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ को क्रश कर लिया, और अब मैंने ये 4 स्लाइस ब्रेड के यहाँ पर, अब मैं इसमें वो जो मेरी रेसिपी रेडी हुई थी वो इसमें मैं डालूँगी, ये देखें, और मैं इसी पर चीज़ शामिल करूँगी, और फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ग्रिल पैन में सेक लूँगी। मेरे बेटे के ब्रेड स्लाइस फिल हो चुके हैं, और जो बचा हुआ मटेरियल था वो मैंने ये बंद कंटेनर में डालकर इसको मैं फ्रिज में रख दूँ, ये 2 से 3 दिन हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बटर लगाऊंगी, ब्लू बैंड जो होता है, और मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए सेक लूँगी। आप पहले टेस्ट करें, बताएं, और जो इसमें से सॉस आपको अच्छी लगी आप उसके साथ खाएं। आप छोटा छोटा पीस करके उठाएं ना, ये तो ज़्यादा आपने बड़ा उठा लिया ना। हाँ, ऐसे जो सॉस अच्छी लगती है आप वो खाएं। कैसे, कौन सी सॉस अच्छी लग रही है? दोनों अच्छी लग रही हैं। वाओ, इसमें मस्टर्ड है, मस्टर्ड पेस्ट भी होती है ना, तभी मैंने कहा शायद आपको अच्छा ना लगे, तो मैंने वो भी साथ बनाया। इसमें स्पाइसेस ठीक हैं, नमक मिर्च मसाले तमाम। ओए थैंक यू, शुक्र आपको पसंद आए। अरसान थम दो। यस, अच्छा जी, आप मेरे बेटे का शिकवा सुने, आप सब बताएं जी, आप रात मुझे क्या कह रहे थे? सबके सामने पहले तो रेसिपी बनाती थी, अब आप वो भी नहीं बनाती। अच्छा, अब यूट्यूब पे लगी रहती हैं, अब उसे आप ना मेरी रेसिपी बनाना और वीडियो भी बनाना। हाँ, 2-in-1 हो जाएगा इस तरह तो, है ना। चलो ठीक है जी, मैंने मेरी दोनों सॉस कामयाब हो गई हैं, मेरे बेटे को दोनों ही अच्छी लगी हैं। तो जी, आपने सुना है मेरे बेटे का शिकवा, और अब से पूरी कोशिश होगी कि इस शिकवे को दूर किया जाए। और मेरी वीडियो, मेरा इरादा है कि 1 वीक में 2 बार आए, ताकि मैं बच्चों को टाइम भी दे सकूं और इनकी फेवरेट रेसिपी भी बनाऊं, और मैं उनको अपने व्लॉग में भी शामिल करूं। और यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में, और मैंने फ्रेश जूस बनाना है। विंटर सीज़न में फ्रेश जूस काफ़ी अच्छे होते हैं, गाजरों के, माल्टे के और अनार के, तो मैं यहाँ पर अपने लिए अनार का बना रही हूँ। मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि आप थोड़ा सा पी लें फ्रेश जूस, पर वो नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे एप्पल जूस दे देना मामा। और जो नरम हो रहे थे अनार, मैंने सबसे पहले वही चूज़ किए हैं। और मैं अब आऊँगी आयरन स्टैंड की तरफ अपना सूट आयरन करने, और शावर लेने के बाद मैं बनाऊँगी फ्रेश जूस। और जूस पीने के बाद हम लोग जाएंगे, अपने मैं मायके जाऊंगी,
और वहाँ से मेरी जो बेटी है अपनी खाला के घर रुकी हुई है, उनको वापस लेकर आना है घर। यार यहाँ के अनार तो निकालो इनके सीड्स। आपसे कह रही हूँ जी मामा। अच्छा जी, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, आप ना फटाफट ये आराम से बैठ के तसल्ली से जिस तरह आपसे इजी निकलते हैं आप निकालो उसको। निकालो, खाना नहीं है इसके, फ्रेश जूस बनाएंगे हम लोग। बैठो इधर बैठ, मैं आपको ना ये कट करके दे जाती हूँ। निकालो यार खाने, कैसे इंसान हो यार, मम्मा के लिए ला के फिर अब मैं खा लूँ, नीयत खराब हो गई है। आज नहीं खाई पड़ी है, नीयत खराब ही होगी। गंदे बच्चे, यहाँ पकड़े, ये देखें, ठीक है ये मैं आपको करके दे रही हूँ, आपने इसमें से सीड्स निकाल के रखने हैं मेरे आने तक। और बस मैं आई, ओह तेरी, ओके अब फिर मैं आई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने एप्पल्स कटिंग कर लिए थे, एक एप्पल के चार चार पीसेस करके। मैंने इसका फ्रेश जूस निकालना है मोहम्मद अरसान के लिए, और कुछ लोग इसके छिलके उतार कर इसका जूस निकालते हैं, पर मैंने छिलके स्मैथ ही इनको कटिंग करके ना इनका फ्रेश जूस निकाला है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा था। एप्पल का जायका अच्छा हो तो जूस ज़बरदस्त बनता है। और ये जी मेरे बेटे का गिलास रेडी है, और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए अनार का जूस। इसके लिए मैंने जूसर लिया है, और 3 से 4 अनार थे, और 1 गिलास इसमें पानी शामिल करूंगी। और अगर अनार तुर्श हो तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी का भी डाल सकते हैं, पर मैं बिल्कुल रियल जायका चाहती थी टेस्ट इसका, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं शामिल की। और मुझे लगा थोड़े से ना अनार तुर्श से थे खट्टे से, तो मैंने इसमें नमक ऐसे 1 चुटकी और जो काली मिर्च है वो भी ज़रा सा ऐसे शामिल कर लिया। और मुझे जो है ये काफ़ी पतला नहीं इसका जूस पसंद अनार का, तो मैं बस सिर्फ 3-4 अनार में सिर्फ 1 गिलास पानी डालती हूँ। और इसको जी अब यहाँ पर छान लेंगे, और ये देखें जी बड़ी सी छलनी हो उसमें आसानी से ये छन जाता है। स्किन को जो सबसे ज़्यादा फ्रेश रखने वाली चीज़ है वो है फ्रेश जूस, और अनार को तो वैसे भी जंती फल कहा जाता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये देखें जी ये मेरा अनार का जूस रेडी है, और बहुत मज़ेदार बना था शुक्र अल्लाह पाक का। और इसके बाद हम आ गए थे सिस्टर के घर, और ये जी वहाँ से निकलते हुए मैंने एक व्यू लिया, और इतना प्यारा आसमान लग रहा था, बहुत प्यारा। सही बात है हम पूरी तरह अपनी वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते हैं जो रियल कुदरती अल्लाह ताला ने सीन बनाया है आसमान के ज़मीन के, वो बहुत प्यारे नज़ारे हैं। और साइड पे खेत हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, हरियाली बहुत बहुत पसंद है मुझे। और इसके बाद जी हम घर वापस आ रहे हैं, और जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।